गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 12 से फंक्शंस को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली ये रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, एनसीईआरटी में तो एक ही चैप्टर में दिया हुआ रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, आरएस अग्रवाल में अलग अलग किया हुआ चैप्टर 2 कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर फंक्शंस पर आज उसका डेफिनेशन को समझते हैं पहले क्लियरली। ठीक है, पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद हम लोग जनरल डेफिनेशन से समझेंगे ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है, इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी, देन ए रूल एफ विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए। जैसे कोई एक रूल रहेगा जिसमें क्या रहेगा, ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, जो जो एक्स का जो एलिमेंट है सारा एलिमेंट क्या रहेगा, ए से बिलोंग रहेगा। ए यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाई एफ एक्स ऑफ बी। ठीक है, एक यूनिक एलिमेंट जो है एफ एक्स बी का जो है सेकेंड एलिमेंट जो रहेगा उससे वो रिलेटेड रहेगा। इच कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखो यहाँ पर एफ मैप्स ए टू बी, आपको क्लियरली नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इतना ये डेफिनेशन से तो क्लियरली समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग अभी बेसिक डेफिनेशन को समझेंगे तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा, फिर एग्जाम्पल लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं ये एफ मैप्स ए टू बी है, मतलब कहने का मतलब है कि ए कोई एलिमेंट है बी कोई एलिमेंट है, हम एफ एक्स पर हम यहाँ पर जो है पुटअप करेंगे, इस तरह से एफ एक्स रहेगा तो यहाँ पर फंक्शन कोई रूल रहेगा उस पर हम पुटअप करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू रहेगा एक्स स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे जैसे एफ वन पुट करेंगे ए का एलिमेंट को, तो क्या आ रहा है रिजल्ट टू आ रहा है, तो ये ए का है ये बी है, समझ गए बात को। ठीक है, तो इस तरह से जो बनेगा ये जो मेरे पास इनपुट डाल रहे हैं ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब इस तरह से जल्दी समझ में आ गया, ये इनपुट डाल रहे हैं इसमें आउटपुट आ रहा है रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह का जो फंक्शंस होता है ये जो कार्य करता है ये क्या कहलाता है, ये फंक्शन कहलाता है। तो इसमें एफ एक्स को क्या कहते हैं, इसमें एफ एक्स जो होता है वो क्या होता है इमेज ऑफ एक्स होता है, और एक्स क्या होता है जिसको हम पुट करते हैं वो क्या होता है प्री इमेज ऑफ एफ एक्स होता है। ठीक है, अब देखो इसको फंक्शन को हम जनरल डेफिनेशन से समझते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली डेफिनेशन नहीं है लेकिन इसको समझने के लिए बता रहे हैं। ए फंक्शन इज ए रिलेशन वेयर एवरी इनपुट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट, एकदम शॉर्ट डेफिनेशन है, क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है जिसमें क्या है हर इनपुट का क्या होगा एक आउटपुट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात को, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर डेफिनेशन से अभी भी नहीं समझ में आया है तो एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर, देखो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया 1 2 3 4 और बी दिया 1 4 9 16 और 25, है ना। अब यहाँ रूल जो दिया है एफ मैप्स ए टू बी, ठीक है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, है ना, और रूल ये है मेरे पास, ये रूल है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया, एक्स स्क्वायर है ये, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जिसमें क्या है एक्स का जो सारा एलिमेंट है ना ए से बिलोंग करता है, तो ए मेरे पास क्या है ये है, एक्स का सारा एलिमेंट 1 2 3 4 ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ अदर नहीं होना चाहिए, और ये बी का एलिमेंट है इधर का। ठीक है, इसको वेन डायग्राम में और क्लियरली समझ में आ गया, इसीलिए वेन डायग्राम में शो किए हैं। ठीक है, डायग्राम के शुरू समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ये जो है इनपुट है, जो इनपुट डाल रहे हैं 1 2 3 4 जो है ये हम डाल रहे हैं इसमें, तो ये इनपुट है, और इसका जो इधर जो है बी का जो एलिमेंट है वो आउटपुट है मेरे पास रिजल्ट में जो आ रहा है। ठीक है, अब इसको ए लिए हैं और इसको बी लिए। ठीक है, अब जैसे एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब ए एक्स के यहाँ पर वन पुट करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है रूल मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो वन पुट करते हैं तो एफ वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन, एक बार टू लेंगे एफ का वैल्यू टू लेंगे तो कितना आ जाएगा, टू का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फोर, इस तरह से आएगा ना। फिर थ्री लेंगे तो थ्री का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नाइन आएगा, आएगा ना। फिर फोर लेंगे एफ पर, फोर लेंगे तो फोर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। तो क्या क्या आ रहा, आउटपुट मेरे पास वन डाल रहे हैं तो इनपुट वन डाल रहे हैं तो आउटपुट कितना आ रहा, वन। ठीक है, इनपुट टू डाल रहे हैं तो आउटपुट कितना आ रहा, फोर। इनपुट थ्री डाल रहे हैं तो आउटपुट कितना आ रहा, नाइन। इनपुट फोर डाल रहे हैं तो आउटपुट कितना आ रहा है, 16। इस तरह से आ रहा है, तो वन पर वन आ रहा है, टू पर फोर आ रहा है, थ्री पर नाइन आ रहा है, फोर पर 16 आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया, इनपुट डाल रहे हैं आउटपुट आ रहा है, इनपुट डाल रहे हैं आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, इधर मेरे पास कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए, इधर खाली रहेगा चलेगा। ठीक है, इधर अगर एक भी एलिमेंट अगर इस तरह से रहता, मान लेते हैं मेरे पास इस तरह से रहता, यही चीज अगर इस तरह से रहता 1 2 3 4, ठीक है, और इधर से मेरे पास इस तरह से है 1 4 9 16 और ये 25 है ना,
तो ये मिल रहा है मान लेते हैं, ये मिल गया मान लेते हैं, ठीक है, और ये मिल गया मान लेते हैं, ये मेरे पास मान लेते रह गया, ठीक है, इफ करके बता रहे हैं, ये मेरे पास इसका कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट फंक्शन होगा, ठीक है, ये नॉट, ये हो जाए क्या, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन होगा ही नहीं, समझ में आ रहा बात को। जैसे इसमें देखो, इसको और इसमें क्या डिफर है, देखो इसमें आउटपुट में मेरे पास 25 का कोई प्री इमेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है एफ एक्स में जो है एक्स जो है 3 का कोई इमेज ही नहीं है, इसका जो है कोई आउटपुट ही नहीं निकल रहा 3 का, है ना, तो इसीलिए क्या फंक्शन नहीं है, लेकिन ये एक फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, समझ में आ रहा बात को। तो आप देखो यहाँ पर क्या होता है, सो ये सब जो हो गया इसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, इसका सारा एलिमेंट को क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, और ये जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, इसको हम आगे देखते हैं फिर से। अब देखो यहाँ पर जो है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, जैसे हम लोग रिलेशन में भी पढ़ते थे सेट्स में, ठीक है, तो इस तरह से है ना, तो इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या है ये, देखो इफ एफ मैप्स ए टू बी देन ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, ए से बी की तरफ जा रहा है, मतलब एक्स, ये ए का वैल्यू जो है एक्स को बिलोंग कर रहा है, तो ये जो सारा एलिमेंट होता है ए का वो क्या होता है, डोमेन होता है, और बी का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, को डोमेन होता है, और जो रूल को जो फॉलो करके जो मेरे पास आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है, ठीक है, ए का एलिमेंट एफ ए को पुट करके जो मेरे पास रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है, अगर नहीं क्लियर नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है, सारा क्लियर हो जाएगा। ए क्या है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, और बी क्या है 1, 4, 9, 16 और 25, ये बी का एलिमेंट है, ठीक है, रूल क्या है, एफ मैप्स ए टू बी, मतलब एफ मैप्स ए टू बी में जाएंगे और इसी का जो इसको हम पुट करेंगे इनपुट, तो आउटपुट मेरे पास इसी में से आना चाहिए, ठीक है, और सभी का आउटपुट रहना चाहिए, इसका जो है सभी का आउटपुट रहना चाहिए, किसी एक का भी अगर आउटपुट नहीं रहेगा इसमें तो वो क्या होता है, फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एफ मैप्स दिया है, ये रूल क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, क्लियरली लिखा हुआ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स जो है ए का जो सारा एलिमेंट है एक्स को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, यानी एफ एक्स में वो पुट होना चाहिए, ठीक है, तो ये एक्स है और ये इसको क्या कहते हैं, रिजल्ट जो रहता है वो एफ एक्स होता है, ये आप सेट में भी पहले पढ़ चुके हैं। तो एक्स में मेरे पास क्या है, ए का एलिमेंट लेते हैं और ये जो एफ एक्स में क्या रहता है, बी का एलिमेंट रहता है, तो बी का एलिमेंट ये है मेरे पास, इधर पहले लिख दिए हैं, ए का एलिमेंट जो है उसको यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो होता है, ये सारा एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है, यानी 1, 2, 3, 4 क्या है, डोमेन है, और इधर का जो बी का जो सारा एलिमेंट क्या होता है, वो कोडोमेन होता है, यानी 1, 4, 9, 16 और 25 क्या है, कोडोमेन है, और जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आता है, केवल वही सब 1 आया, 4 आया, 9 आया, 16 आया, 25 तो नहीं आया है, ठीक है, तो 25 को नहीं लेंगे, ये जो जो मेरे पास रिजल्ट है वो क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। इसी को हम पुट करके भी कर सकते हैं, ये फिगर में डायग्राम में तुरंत समझ में आता है, इसीलिए हम डायग्राम में पहले बताने की कोशिश किए हैं। अब देखो यहाँ पर एफ वन, जैसे हम इनपुट डाल रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब देखो क्लियरली अगर हम करते हैं तो कोई भी नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर मेरे पास 25 आ रहा है, इसमें से 5 का स्क्वायर तो होता है, लेकिन 5 यहाँ दिया नहीं, नहीं ना दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 25 बिलोंग्स टू बी, बी को बिलोंग कर रहा है, डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन ए, लेकिन इसका प्री इमेज इसमें नहीं है, इसका जो इधर का जो इमेज होता है उसको क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं, ए में कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये इसमें फंक्शन में, ये रेंज में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डोमेन लिखना है, तो डोमेन क्या हो गया, ये इसका सारा एलिमेंट को लिख देंगे, ठीक है, तो क्या आ गया, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या हो गया, ये डोमेन हो गया, इक्वल टू ए, ए का सारा एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, को डोमेन जो होता है, को डोमेन क्या हो गया, 1, 4, 9, 16, 25 ये सब क्या हो गया, जो बी का सारा एलिमेंट है वो को डोमेन हो गया, और जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, रेंज होता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या आया रिजल्ट मेरे पास, 1 आया, 4 आया, 9 आया और 16 आया, तो ये सब क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, आई होप आपको फंक्शन का डेफिनेशन क्लियरली समझ में आ गया, और इस एग्जांपल के थ्रू से और भी क्लियरली समझ में आ गया, और इसके जो कोडोमेन है, डोमेन है और रेंज है, इसको भी आप समझ गए होंगे क्लियरली, ठीक है। अगला दिन हम इसके टाइप्स ऑफ जो फंक्शन है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।